बॉलीवुड एक ऐसी चकाचांद दुनिया है जिसमें नवयुवक अक्सर खींचे चले आते हैं और अपने करियर की शुरुआत वहीं से करते हैं। एक ऐसे ही उभरते कलाकार हैं कन्नन मल्होत्रा, जिन्होंने फिल्म फरार से अपने करियर की शुरुआत की है। फिल्म फरार ऑन द रन और उनके किरदार के बारे में जब अभिनेता कन्नन मल्होत्रा से पूछा गया तो उनका क्या कहना है, ये आप खुद ही सुनिए। मेरा नाम कन्नन मल्होत्रा है और यहाँ देखिए फरार जो फिल्म है वो संतोष गुप्ता जी डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, और फिल्म थ्रिलर सस्पेंस है जो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। और मेरा उसमें जो किरदार है, मेरे किरदार का नाम है अर्जुन, जो अकबर खान जी हैं उनके ऑफिस में काम करता है, वो प्ले कर रहे हैं सिंह मिस्टर सिंघानिया, उनके ऑफिस में काम करता है और काफ़ी डिसेंट लड़का है, सब कुछ समझता है और बहुत इंटेलिजेंट है, और उनके साथ उनका राइट हैंड है, सब कुछ संभालता है उनके ऑफिस में वही। तो ये मेरा ब्रीफ है मोटा मोटा किरदार का। मैंने फरार फिल्म में एंट्री करी, मेरा किरदार मैंने जैसे भी आपको बताया कि ऑफिस गोइंग लड़का है, और इसके लिए मैंने ऑडिशन दिया तो मैं उसके लिए सिलेक्ट हुआ संतोष गुप्ता जी के थ्रू, और फिर मुझे फिल्म मिली। जी बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करने में और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला इस फिल्म से, काफ़ी कुछ सीखा मैंने इस फिल्म से, और सारे लोग क्रू वगैरह प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैमरामैन सब लोग बहुत अच्छे थे और सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत फ्रेंडली तरीके से काम कराया, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। वो बहुत सपोर्टिव हैं और हम दोनों बिल्कुल फ्री थे काम के टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ बंदगी हो या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों फ्री थे और बहुत अच्छा केमिस्ट्री निकल के जी। हमने सब ने हार्ड वर्क बहुत किया इस फिल्म के लिए और बहुत काम किया है और अपना 100% देने की कोशिश करी। अब ऑडियंस के ऊपर है उनको किस तरीके से लगती है, लेकिन बहुत जल्द रिलीज होने वाली है तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूर देखें और बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि काफ़ी नई तरीके की स्टोरी है। थ्रिलर सस्पेंस में भी अलग तरीके की स्टोरी उन्होंने बनाई है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। जी हम शूट कर रहे थे बॉम्बे से कुछ थोड़ा सा दूर, थोड़ा बाहर बॉम्बे से, तो हमारा एक्सीडेंट सीक्वेंस शूट कर रहे थे, हम कार से एक्सीडेंट होना था, एक सीक्वेंस था छोटा सा, तो हम कैमरामैन और कैमरा ऊपर क्रेन में थे और जो मेरी कोस्टार थी वो गाड़ी चला रही थी, तो उन्होंने गाड़ी थोड़ा सा आगे करके रोकना था और हमने गाड़ी से उतरना था, एक्सीडेंट हुआ पीछे टर्न करके देखना था शॉर्ट वो था और क्रेन गाड़ी के आगे थी, कैमरामैन 40 फीट ऊपर होंगे, तो वो उतर गए, उन्होंने हैंड ब्रेक खींचना भूल गए वो गाड़ी का, तो हम दोनों उतर गए हम देखा गाड़ी आगे जा रही है, पकड़ो, तो सब लोग गाड़ी पकड़ने लगे, लेकिन उस गाड़ी ने क्रेन को हिट किया और कैमरामैन और क्रेन थोड़ा सा नीचे खाई थी, वो वहाँ जाके गिरे, तो सब कुछ ठीक था, कुछ हुआ नहीं। तो ये हुआ इंसिडेंट वहाँ पे, थोड़ी बहुत चोटें भी लगी उनको, मेरी कोस्टार को मुझे पैर में मोच आई, उनको थोड़ी सी चोट लगी, तो ये हुआ था। लेकिन उस दिन शूट भी बंद कर दिया गया था क्योंकि कैमरामैन जी को भी थोड़ी चोटें लगी थी, तो ये इंसिडेंट हुआ था, बड़ा ही यादगार। मैं स्कूल टाइम में था, छोटा था, तो मेरे स्कूल में मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि स्टडीज़ में मैं ठीक ठाक था, इतना अच्छा नहीं था, 7th-8th तक मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टडीज़ में था, तो उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। तो टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने कहा मैम आई वॉन्ट टू बिकम एक्टर। तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह क्लासमेट्स टीचर सब लोग हंसने लगे कि एक्टर क्यों होता, मीनिंग ऑफ एक्टिंग एक्टर बनेगा, तो मैंने कहा कि मैम मैं कोशिश कर सकता हूँ अपनी लाइफ में और एक्टर ही बन के दिखाऊंगा, ये बोल के उस टाइम बचपन में जो एक होता है एम्बिशियस के यार किसी को डॉक्टर बनना होता है साइंटिस्ट बनना होता है, मुझे एक्टर बनना था और वही बचपन से मैंने दिमाग में रखा कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है। तो मैं बॉम्बे आया, मैंने किशोर अमित कपूर जी से एक्टिंग क्लासेस ली, उसके बाद फिर मैंने कमर्शियल एड्स वगैरह बहुत कमर्शियल एड्स करी, मेरी काफ़ी एड्स कमर्शियल्स आई, मेरी फेमस एड थी स्प्राइट, मैंने प्ले किया था रणबीर की एक ऐड आई थी पेप्सी की, पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैंने उसका स्पूफ किया था, मैं चंद्रिस्तान से आया हूँ स्प्राइट का। फिर एयरटेल किया मैंने शाहरुख खान जी के साथ, कोक किया आमिर खान जी के साथ, अभी रिसेंटली बोलते शॉर्ट किया, तो फिर मैं एडवर्टीजमेंट में आ गया, एडवर्टीजमेंट काफ़ी करी मैंने, साउथ के काफ़ी प्रोजेक्ट्स करे, उसके बाद फिर मुझे फिल्म मिली संतोष जी की, फिर मैंने फिल्म अभी कंप्लीट करी है, तो अभी फिर एड्स वगैरह चल रही हैं और दूसरी फिल्म के लिए काम चल रही है। फिल्म फरार
अंदरंग दर्शकों को कितना पसंद आएगी, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।